सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के सचिव पंकज गुप्ता ने विद्यार्थियों को लैंगिक भेदभाव की रोकथाम के बारे में जागरूकता में युवाओं का योगदान विषय पर विस्तृत जानकारी दी। पंकज गुप्ता ने कहा कि लैंगिक असमानता में हम तब तक बदलाव नहीं ला सकते जब तक इसकी शुरुआत खुद से नहीं करेंगे। समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं की सोच में बदलाव लाना जरूरी है। सामाजिक बदलाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि लैंगिक समानता के लिए युवाओं ने कदम बढ़ा दिए तो समाज में लैंगिक भेदभाव की कोई जगह नहीं रहेगी। नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के पैन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन के दौरान और लीगल सर्विसेज वीक के आज के दौरान आज सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम किया गया है। उसका टॉपिक रहा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसमें चर्चा की गई कि किस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग है, कैसे महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है और कैसे आज का यूथ अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, रोक सकता है उस भेदभाव को। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे में भी बच्चों को अवगत करवाया गया। बच्चों को हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान है, प्रीएम्बल है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई और बच्चों को अवेयर किया गया कि उन्होंने कैसे लॉ का रिस्पेक्ट करना है और कैसे सोसाइटी में अच्छे नागरिक की तरह जीना है और कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कैसे वो इंस्पिरेशन बन सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए। ऐसे प्रोग्राम समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा हर स्कूल हर कॉलेज में करेगा और आज का यह प्रोग्राम सेंट स्टीफन में जो हुआ उसमें तकरीबन 100 बच्चों ने भाग लिया और मुझे आशा है कि वो 100 बच्चों के थ्रू हमने उनके पेरेंट्स को भी मैसेज दिया कि आपने कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करनी है और कैसे भारतीय जो संविधान है उसके आदर्शों का पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।